वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पापा खो गए। बच्चों, कोई भी चीज़, चाहे वो सजीव हो चाहे वो निर्जीव हो, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, कोई भी चीज़ अगर खो जाए हमें बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर एक बच्ची का ऐसा वैसा चीज़ नहीं खोया, बच्ची का पापा ही खो गए। बच्ची का पापा खो जाने पर क्या होता है क्या नहीं होता है, इस नाटक के द्वारा मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस पाठ का लेखक है विजय तेंदुलकर और ये एक नाटक है और इस नाटक को बच्चों मराठी लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया, अनुवाद किया गया। इस पाठ में मैं कहानी आपको पहले शॉर्ट में बताने जा रही हूँ। इस पाठ में क्या होता है, एक बच्ची का अपहरण होता है, एक छोटी सी बच्ची का अपहरण होता है और अपहरण करता उसको बेहोश करके पीठ में लाद कर लेके आता है और आते समय रास्ते में कुछ समय के लिए वो एक पेड़ के नीचे बच्ची को रखता है, सुला देता है और वो कुछ खाने का इंतज़ाम करने के लिए वो निकल जाता है। उसी समय कुछ ऐसी घटना होती है जिसके बाद ये अपहरणकर्ता जब लौट कर आता है बच्ची को वो खोज नहीं पाता और वो बच्ची बच जाती है। अपहरणकर्ता का मतलब है किडनैपर से ये बच्ची बच जाती है। ये कहाँ, ये जो नाटक है, ये ड्रामा है, ये 19 पेज का ड्रामा है जो आपके बुक में दिया गया है। अब 19 पेज का एक एक लाइन यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए पहले मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूँगी। उसके बाद कल नेक्स्ट क्लास में मैं आपको लाइन वाइज पैराग्राफ वाइज में ऑडियो एक्सप्लेनेशन भी आपको भेजूंगी। बच्चों, अब मैं बोर्ड के माध्यम से, आप थोड़ा बोर्ड पर नज़र दीजिए, मैं बोर्ड के माध्यम से आपको ये पाठ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चों, पाठ पापा खो गए, ये एक मराठी नाटक है, ये मराठी नाटक है, मराठी लैंग्वेज में लिखा गया नाटक है। लेखक है विजय तेंदुलकर जी। इस पाठ का ऑब्जेक्टिव है निर्जीव वस्तुओं की पीड़ा की जानकारी प्राप्त होगी। निर्जीव, बच्चों निर्जीव का मतलब है नॉन लिविंग, निर्जीव का मतलब है नॉन लिविंग। नॉन लिविंग बच्चे वस्तु भी कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं हमसे, लेकिन वो कह नहीं पाते। लेकिन लेखक इन निर्जीव वस्तुओं का अनुभव करके उन्होंने इस पाठ में लिखा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इस पाठ का, बच्चों के अपहरण के बढ़ते वारदातों की जानकारी प्राप्त होगी। बच्चों, ये वारदात जो होता है ना आजकल, किडनैपिंग, बच्चों का किडनैपिंग, स्पेशली बच्चों का किडनैपिंग का मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो लोग बच्चों को किडनैप करते हैं और इसके विनिमय में वो उनसे पैसा लेते हैं। तो ये किडनैपिंग के ऊपर है, किसका किडनैप होता है, एक छोटी सी बच्ची का। मेन कॉन्सेप्ट है इसका बच्ची का अपहरण, यानी पूरा लेसन इस बच्ची के अपहरण पर रहेगा, पूरा पाठ यानी पूरा ड्रामा बच्ची के अपहरण को लेकर होगा। नाटक के कुछ प्रमुख पात्र है, प्रमुख माने मेन, पात्र का मतलब है कैरेक्टर, कुछ प्रमुख कैरेक्टर है, पात्र है। इसमें मैंने दो भाग किया है, एक है सजीव दूसरा है निर्जीव, यानी कुछ बोलने वाले हैं कुछ नहीं बोलने वाले हैं। बच्ची अपहरणकर्ता कौआ इस नाटक का सजीव पात्र है। सजीव का मतलब क्या है बच्चों, लिविंग, जो बोल सकते हैं जो चल सकते हैं। इस नाटक का कुछ पात्र ऐसे हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो क्या है, निर्जीव है, बिजली का खंभा है, पेड़ है, लेटर बॉक्स है और एक लड़की का पोस्टर है, नाचने वाले लड़की का पोस्टर लगा हुआ है। ये सारे कैरेक्टर जो है ये निर्जीव है, निर्जीव का मतलब है ये बोल नहीं सकते, ये चल नहीं सकते। बच्चों, अब यहाँ पर दो न्यू वर्ड्स मैंने रखा है जो आपके लिए बहुत नई होगी, एक है निर्जीव नॉन लिविंग और एक है सजीव लिविंग थिंग्स और ये नॉन लिविंग थिंग्स। बच्चों इस नाटक में कौवा क्या करता है, वो बहुत समझदार होता है और पूरे नाटक में ये कौवा है जो बहुत ही समझदार और सूझबूझ से काम लेता है। लेटर बॉक्स
इसमें एक बुराई भी है, वो लेटर बॉक्स पे जो लेटर डाले जाते हैं वो उसको निकाल निकाल कर पढ़ता था, लेकिन वो अच्छा भजन गाता था। बच्चों यहाँ पर दूसरा जो और जो एक कैरेक्टर है तीसरा, वो है पेड़, और चौथा जो है वो है खम्बा। पेड़ और खम्बे में पहले क्या होती है, दुश्मनी होती है, लेकिन एक बार बारिश के मौसम में खम्बा पेड़ को सहारा देता है, जिसके बाद उनके आपस में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बन जाती है। उसके बाद लड़की, पहले तो वो अपहरणकर्ता लाकर जब वह सुला देता है वहाँ पर पेड़ के नीचे सुला देता है, और वो खाना खाने के खाना खोजने के लिए जाता है, तो लड़की उसके बाद सारे ये जो कैरेक्टर हैं नाटक के, वो सारे उसको क्या करते हैं, देखते हैं, और देखने के बाद क्या करते हैं, वो लड़की को सहारा देते हैं। जब अपहरणकर्ता लौट कर आता है तो ये सारे कैरेक्टर्स मिलकर, जो सजीव भी है निर्जीव भी है, सारे कैरेक्टर्स मिलकर बच्ची को बचा लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम आता है कि बच्ची को अभी ले जाकर कहाँ रखे, उसका ठिकाना क्या है। बच्ची इतनी छोटी थी कि वो अपना घर का पता नहीं जानती थी, यहाँ तक कि वो उसके बारे में उसका घर का एड्रेस उसको बिल्कुल पता नहीं था। इसीलिए वो लोग ये सारे जो नाटक के जो किरदार है कैरेक्टर है ये लोग प्रॉब्लम हो जाता है कि अब कैसे बच्ची को उसके घर तक पहुँचाए। और ये बच्ची को घर तक पहुंचाने के लिए ये सारे कैरेक्टर मिलकर कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कुछ काम करते हैं, कुछ कुछ आइडिया लगाते हैं कि कैसे लड़की को, छोटी सी बच्ची को कैसे घर पर पहुंचाया जाए। लेकिन अंत में जाकर ये नाटक ख़त्म होने तक लेटर कुछ वो लोग कुछ मिलकर कुछ ऐसा कार्य करते हैं जहाँ पर उनको एक संभावना होती है कि उसके पापा आकर उसको लेके जाएंगे या उसके घर वाले आकर बच्ची को ले जाएंगे। लेकिन नाटक जहाँ तक ख़त्म होता है वहाँ पर बच्ची उनके साथ घुल मिल जाती है, और बच्ची उनके साथ घुल मिल जाकर उनके साथ एक जैसा होकर खेलती धुलती है, और नाटक के अंत में बच्ची सो जाती है, और यहीं से ये नाटक ख़त्म होता है। बच्चों ये 19 पेज का, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये 19 पेज का एक ड्रामा है, इसीलिए मैं कल के लिए इसको मैं ऑडियो एक्सप्लेनेशन करूँगी इंट्रोडक्शन के साथ। मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा रिकैप दे दूँगी, और मैं पैराग्राफ वाइज मैं ऑडियो एक्सप्लेनेशन आप तक पहुँचाऊँगी। तब तक आप सुरक्षित रहे, धन्यवाद।